नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि अगर आपके बाथरूम में इंग्लिश शीट लगा हुआ है तो जो इंग्लिश शीट का सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, फ्लैशिंग नहीं कर रहा है। तो हम इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं कि आप उसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो कि जो सही तरीके से काम करे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल वैक्यूम बन चुका है, हम इसको दबा रहे हैं, ये दब नहीं रहा, फ्लैशिंग नहीं कर रहा, इसमें सिस्टम में वैक्यूम बन चुका है। तो हम इस वैक्यूम जो बन रहा है उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो आपके इंजन शीट में पानी आ सके। तो मैं इसको हैंडल को दबाता हूँ, ये दब नहीं रहा क्योंकि बिल्कुल ही टाइट हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इस ढक्कन को खोल लेना है। तो ढक्कन को कैसे खोलोगे? ये जो दो पिन लगा हुआ है, एक नीचे एक ऊपर, आपने ऊपर वाला पिन निकालना है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, ये देखिए, तो मैं इसे निकाल चुका हूँ। दूसरी तरफ भी होगा, ये भी आपने ऊपर वाला ही निकालना, नीचे वाला नहीं निकालना है, ऊपर वाला निकालना है। तो इसके भी इसे भी हम खींच लेंगे। ये देखिए, मैं इसे भी निकाल चुका हूँ। इन दोनों पिनों को निकाल के आपने इस ढक्कन को ऊपर की तरफ निकाल लिया। तो मैं इसे निकाल चुका हूँ। तो निकाल के एक साइड पे रख लें आप। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कचरा है, पिलची टाइप का बन चुका है। तो हमारा जे सिस्टम है, इसको सैफन बोलते हैं, पूरा सिस्टम को सैफन बोलते हैं। तो ये वैक्यूम बना चुका है जिसके कारण से ऊपर की तरफ, तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, अब हमने इस ढक्कन को दोबारा उसी प्रकार से लगा देना है। ये ढक्कन मैंने दोबारा इस पर लगा दिया। अगर आपके भी इंडियन शीट जो लगा होता है उसके सिस्टम में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसी प्रकार से ठीक कर सकते हो। तो मैं दोबारा इस जगह पे पिन लगा देता हूँ। तो इस साइड पे भी मैंने पिन लगा दिया, लगा चुका हूँ। आप देख सकते हो हैंडल बिल्कुल फ्री हो चुका है, आप जे दोनों लगाया। तो इसी प्रकार से आप अपने सिस्टर की जो वैक्यूम बना होता है आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा होगा, आपको वीडियो जब कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।